हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएटर्स टैलेंट। सत श्री अकाल, मैं हूं पिंकी और आज मैं आपके लिए लाई हूं बहुत ही हेल्दी और बहुत ही टेस्टी वाला गोवा जूस, यानी कि अमरूद का जूस, जिसके लिए हम लोगों को ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल नहीं करना, 3 से 4 चीज़ों की ज़रूरत है हमें यहाँ पे। यहाँ पे मैंने गोवा लिया है, मैं एक जने की सर्विंग बता रही हूँ गाइस आपको, इसीलिए मैंने यहाँ पे 2 मीडियम साइज या स्मॉल साइज का गोवा लिया है, या जिसे पेड़ू भी बोल सकते हो या जिसे अमरूद भी बोल सकते हो आप। एक ग्लास मैंने नॉर्मल पानी लिया है, ये चिल्ड वाटर नहीं है, बारिश का समय है इसीलिए मैंने नॉर्मल वाटर यूज किया है। अगर गर्मी का सीजन है या आपको आइस सूट होता है, बर्फ सूट करता है आपकी बॉडी को, तो आप इस्तेमाल कर सकते हो ठंडा पानी या बर्फ वाला पानी। शुगर का इस्तेमाल नहीं किया है यहाँ पे मैंने। 3 खजूर यानी कि 3 डी सीडेड डेट्स का इस्तेमाल किया है, इसमें से मैंने सीड निकाल दिया है। यहाँ पे मैंने सॉफ्ट वाला खजूर इस्तेमाल किया है, लेकिन अगर आपके पास हार्ड वाला है तो उसको कम से कम आधा घंटा पानी में भिगा के उसके बाद ही यूज करें। यहाँ पे मेरा सॉफ्ट वाला है इसीलिए मैं डायरेक्ट इस्तेमाल करूंगी। अब इसको अच्छे से वॉश करेंगे और इसको अच्छे से हम लोग कट करेंगे स्मॉल स्मॉल पीसेस में। तो ये देखिए गाइस, हमारा जो पेड़ू है यानी कि अमरूद है वो काफी मस्त पिंक पिंक निकला है अंदर से। इसको हम लोगों ने स्मॉल स्मॉल पीसेस में अच्छे से वॉश करके कट कर लिया है। अब यहाँ पे मैं एक ग्राइंडर ले रही हूँ, उसमें हम ये सारे अमरूद को डाल देंगे, ऐड कर देंगे, और अमरूद के साथ यहाँ पे मैं खजूर भी ऐड कर रही हूँ, जो कि मैंने 3 चॉप करके रखी थी। इसमें से आप सीड को निकाल दीजिए, फिर इसमें ऐड करें। अब हम इसको ढक्कन बंद करके ग्राइंड करेंगे। रिमेम्बर, मैंने अभी पानी नहीं डाला है, पहले इसको अच्छे से ग्राइंड करना है, उसके बाद आपको पानी ऐड करना है। ये देखिए गाइस, मैंने अमरूद और खजूर को अच्छे से उसका पेस्ट बना लिया है। अब मैं इसमें पानी ऐड कर रही हूँ, ऑलमोस्ट 1 ग्लास। अब फिर से हम इसको अच्छे से ग्राइंड करेंगे। ये देखिए, हमारा स्मूदी बिल्कुल तैयार है, या फिर आप जिसको गोवा जूस भी बोल सकते हो। अब एक स्ट्रेनर में इसको अच्छे से छान लेना है, क्योंकि इसमें काफी सारे बीज होते हैं गाइस, और जिनको किडनी स्टोन या फिर बॉडी में स्टोन की प्रॉब्लम है, यानी कि पथरी की प्रॉब्लम है, उनको ये सीड्स नहीं खाना चाहिए, उनको छान के ही पीना चाहिए गाइस। तो ये देखिए गाइस, सीड्स को मैंने अलग कर लिया है। जिनको स्टोन की प्रॉब्लम होती है वो लोग गोवा या फिर बैंगन खाना छोड़ देते हैं या फिर दूध पीना छोड़ देते हैं, बिकॉज इन सब से कैल्शियम बनता है और इन सब बीजों से पथरी बनती है। लेकिन गाइस, एक बात याद रखना, आपकी बॉडी को हर एक चीज़ की ज़रूरत होती है। आपको कोई भी प्रॉब्लम है, आप कुछ भी खा सकते हो, कुछ भी पी सकते हो, एक प्रॉपर अमाउंट में, एक प्रॉपर पोर्शन में, और किस तरह से उसको कंज्यूम करना है ये आपको पता होना चाहिए। अगर किसी को वेट लॉस करना होता है, वो दूध पीना छोड़ देते हैं, मिल्क प्रोडक्ट दही पनीर खाना छोड़ देते हैं, चावल बनाना नारियल पानी पीना छोड़ देते हैं, गाइस इससे कुछ भी नहीं होना है। एक प्रॉपर अमाउंट में आपको सब खाना है, सब पीना है। सब छोड़ दोगे ऐसे करके तो फिर कुछ नहीं होना है, आपको वीकनेस आ जाएगी। बहुत सारे लोग सजेशन देते हैं कि ये बंद कर दो हो जाएगा, वो बंद कर दो, ये अवॉइड कर दो। अवॉइड करोगे कुछ नहीं होगा सिवाय वीकनेस के। तो ये देखिए, बिना दूध के, बिना चीनी के हमारी स्मूदी बिल्कुल तैयार है, जूस भी बोल सकते हो, लेकिन इसका टेक्सचर एकदम स्मूदी वाला है। और ये 1 से 2 सर्विंग आप बना सकते हो, अगर थोड़ा पानी ज़्यादा ऐड करोगे तो 2 सर्विंग बन जाएगी, अगर आपको थिक पसंद है तो 1 सर्विंग भी ओके है। और इसमें आप आइस क्यूब ऐड करना चाहो तो कर सकते हो। अब मैं इसको सर्व कर देती हूँ अपने ग्लास में। ये देखिए गाइस, हमारा गोवा जूस कितना ज़्यादा अमेजिंग लग रहा है, और ये परफेक्टली 1 सर्विंग बन के रेडी है। अच्छा, आप इसमें काला नमक और लाल मिर्ची पाउडर भी हल्का सा डाल सकते हो, या फिर अपने ग्लास के ऊपर लगा सकते हो। मुझे ऐसे ही पसंद है बिना मसाले के, इसीलिए मैंने ऐड नहीं किया है, लेकिन आप चाहो तो ऐड कर सकते हो। और ये मैं ब्रेकफास्ट में ले रही हूँ, जो कि बहुत ही टेस्टी है, हेल्दी तो है ही, बहुत ही अमेजिंग सा जूस है। आप एक बार ट्राई करो, बहुत ही टेस्टी लगेगा। चीनी के बदले आप हेल्दी सब्स्टिट्यूट ट्राई करो, बहुत ही आपकी हेल्थ के लिए अच्छा रहेगा। अगर ये जूस आपको अच्छी लगी हो, रेसिपी अच्छी लगी हो, तो लाइक और शेयर कर देना अपनी फ्रेंड्स और फैमिली में, नहीं लगी हो तो डिसलाइक कर सकते हो। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय, टेक केयर, सत श्री अकाल, अपना ख्याल रखें।